हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम ग्रिल सैंडविच बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आटा ब्रेड लिया है, ये 3 स्लाइस ब्रेड लिया है। इस पर मैंने बटर लगाना है, तीनों स्लाइस पे हम बटर लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ग्रिल सैंडविच गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। इस पे हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उस पे ग्रीन चटनी के जगह आप यहाँ टमाटो सॉसेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ ग्रीन चटनी के साथ साथ टमाटो सॉस भी लगाऊंगी। अब यहाँ मैंने थोड़ा टमाटो सॉस लगाया है इन सब पे। ये एक टैंगो फ्लेवर देगा। अब इसमें मैंने यहाँ पतले पतले स्लाइस के खीरा को काट के रखा था, वो लगा रहे हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल यहाँ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर ये लगाया है। आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल यहाँ लगा सकते हैं। अब इस पे इसके ऊपर मैंने ये थोड़े से चाट मसाला डाले हैं। इस पे मैंने ये चीज घस के रखा हुआ था, वो डाला है। बच्चों को चीज बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए चीज़ ज़रूर डालें। और अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो चीज़ यहाँ स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ नमक का यूज़ नहीं किया है क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी हल्का नमक होता है, तो नमक से कहीं ज़्यादा ना हो जाइए, इसलिए मैंने यहाँ नमक नहीं डाला है, स्किप किया है नमक को। तो इसको इस तरीके से हमें रखना है। अब हम इसको ग्रिल के लिए लगाएंगे। तो इसके ऊपर पहले बटर लगा लेते हैं।
तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक ग्रिल यूज़ किया है, इसको रख के बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने स्विच ऑन कर दिया है इसके, 10 मिनट के लिए इसे ग्रिल होने देंगे। ये देखिए ये एक तरफ से ग्रिल हो चुका है, तो इसको हम पलट देंगे थोड़ा ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा से ये ग्रिल हो जाए और इसके ऊपर भी बटर लगा देंगे। और इसको वापस से फिर ग्रिल करने के लिए मैंने यहाँ स्विच ऑन कर दिया है। तो ये देखिए हमारा ग्रिल सैंडविच रेडी हो चुका है। तो आइए इसको निकालते हैं। ये वैसे बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसे कभी भी आप बना सकते हैं। अब इसको हम कट करेंगे। ये देखिए मैंने ट्रायंगल शेप में इसे कट किया है। ये देखिए हमारा ग्रिल सैंडविच रेडी हो चुका है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, क्रिस्पी सा चटनी या सॉस के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।